बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिद्धराज रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरन पोली। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक बॉल में आधा किलो चना दाल धोकर एक घंटा भिगोने छोड़ दें। कुकर में भीगी हुई दाल को डालकर हल्दी, नमक, तेल, 2 गिलास पानी डालकर 2 सीटी लगा लें। अब दाल को पक जाने पर दाल को छान ले और पानी अलग करके फिर दाल को अच्छी तरह मैश कर ले। इसी तरह पूरी दाल को मैश कर ले। एक बड़ी डेगची में मैश की हुई दाल को गुड़ शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर पानी को अच्छे से सुखा दें। पानी सूख जाने पर सौंफ, इलायची, सौंफ पाउडर डालकर सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप चाहो तो जायफल पाउडर ऐड कर सकते हैं। ठंडा होने रख दें। अब आटा गूंदने के लिए एक बॉल में गेहूं का आटा
मैदा नमक डालकर पानी से सॉफ्ट आटा गूने और आधा घंटा रेस्ट दे। अब पूरन को आटे की पेड़े बनाएं। अब आटे की पेड़े में 2 चम्मच पूरन भरें और हल्के हाथ से रोटी बेलें। तवा गरम होने पर पूरन पोली को तेल या घी लगाकर अच्छे से सेक लें। अब पूरन पोली तैयार है, दूध के साथ खा सकते हो।